हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं मोदक। गणेश चतुर्थी आने वाली है, घर में पप्पा आए और मोदक ना बने। मोदक पप्पा का फेवरेट है, तो चलिए आज बनाते हैं गणपति पप्पा के लिए मोदक। इसे आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और इसे मैं आपके साथ मोल्ड के अलावा हाथ से कैसे बनेगा ये मेथड भी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए लिया है मैंने पैन और इसमें एक चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब देसी घी को गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे बादाम, मैंने 10 पीस बादाम लिया है, और काजू, काजू भी मैंने 10 पीस लिया है, और दोनों को धीमी आंच पे हम रोस्ट करेंगे। हमें इन दोनों को तब तक रोस्ट करना है जब तक इससे अच्छे से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे और ये हल्का गुलाबी हो जाए। तो ये देखिए, इसका रंग भी चेंज हो गया और इसमें बहुत ही अच्छी अरोमा आ रही है। तो इसको चलिए हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो सारे बादाम और काजू को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पिस्ता। पिस्ता मैंने 20 पीस लिया है। आप सोच रहे होंगे मैंने पिस्ता अलग से क्यों लिया है। मैं इसे काजू और बादाम के साथ रोस्ट कर सकती थी, पर हुआ ये कि ये फ्रिज में रखा था और इसका टेम्परेचर डिफरेंट था। जो मेरे काजू और बादाम थे वो रूम टेम्परेचर पे थे और ये ठंडा था। अगर मैं काजू बादाम के साथ रोस्ट करती तो ये प्रॉपरली रोस्ट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसे अलग से किया। आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। वैसे ड्राई फ्रूट्स क्या लेना है ये टोटली आपके ऊपर है। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, किसी एक को ले सकते हैं, या जो भी लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए, बातों ही बातों में पिस्ता हमारा रोस्ट हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने जो पहले घी डाला था बस उसी में सारे ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं किशमिश। किशमिश को भी हम रोस्ट कर लेंगे, हल्का फूलने तक हमें इसे रोस्ट करना है। और सारी चीज़ें हम धीमे आँच पर ही कर रहे हैं, मैंने गैस की फ्लेम को बढ़ाया नहीं है। तो ये देखिए फूलना शुरू हो गया है, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। करीब 2 से 3 टेबलस्पून मैंने किशमिश लिया है। अब जो घी हमें पूरी क्वांटिटी के लिए चाहिए उसका आधा घी हम यहाँ पे अभी लेंगे, और आधे घी को हमें कहाँ डालना है मैं आपको बताऊँगी, और मैंने ऐसा क्यों किया ये भी मैं बताऊँगी। अब इसमें हम डाल देंगे आटा 1 कप और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो घी को गर्म कर लिया था, उसमें मैंने आटा डाल दिया है। गैस को मैंने सिम पर रखा है जिससे हमारा आटा अच्छे से भून जाए। तेज आंच पे आप करेंगे या मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो फटाफट करने से नीचे से आटा जलने लगेगा और मोदक की खुशबू अच्छी नहीं आएगी। तो ये देखिए धीमे धीमे इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया। आप कलर थोड़ा हल्का लाइट चाहते हैं अपने मोदक का तो आप एक स्टेप पहले ही इसको रोक सकते हैं। तो देखिए, मैं तो आटे को बहुत ही अच्छे से भूनती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अच्छे से भूनने के बाद। और ये देखिए हमारा कितना अच्छे से रोस्ट हो चुका है गेहूं का आटा। अब हम इसमें डाल देंगे घी, जो घी हमने बचाया था वो सारा घी अब हम डाल देंगे। जब हम घी को ऊपर से ऐड करते हैं ना तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अरोमा जो घी का होता है बहुत ही बढ़िया आता है मोदक में। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए, सारे घी को आटे के साथ हम मिला के इसको धीमी आँच पर ही भूनना है, गैस की फ्लेम को आप हाई मत करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हम आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाने के लिए मोटिवेट हो सकें। आप देख सकते हैं कि हमारे मिक्सर ने घी छोड़ दिया, ऊपर हल्का हल्का सा घी दिख रहा है, इसका मतलब हमारा मिक्सर रेडी है। अब जितने ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किए थे ना उसको मैंने दरदरा मिक्सर ग्राइंडर में कर लिया है। मैंने किशमिश को भी इसमें कर लिया है साथ ही में। आप चाहें तो किशमिश खड़ा डाल सकते हैं या 2-3 टुकड़े करके डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ बच्चे किशमिश पसंद नहीं करते हैं, खड़ा मुँह में आता है, तो इसलिए मैंने किशमिश को भी साथ में पीस लिया है। तो चलिए इसको अच्छे से हम पहले मिला लेंगे, और जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा और ड्राई हो चुका है ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद, और इसने पैन को पूरा अच्छे से छोड़ दिया है। मैंने इसके लिए कोई नॉनस्टिक पैन यूज़ नहीं किया, मैं नॉर्मल स्टील के पैन में इसको बना रही हूँ। आप देखिए कितने आराम से बन रहा है, सिर्फ आपको क्वांटिटी और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना होगा।
तो ये हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। अब ऊपर से इसमें हम डाल देंगे छोटी इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से फिर से मिला लेंगे और ये हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्वीटनेस के लिए मैंने कुछ नहीं मिलाया, हम मिलाएंगे पर थोड़ी देर के बाद जब ये ल्यूक वार्म टेम्परेचर पर आ जाएगा। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, गैस से मैंने उतार लिया, अगर मैं इसी सेम बर्तन में रखती हूँ मिक्सर को तो हमें इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह चलाना होगा जिससे ये इसकी गर्मी से जले नहीं। बट अगर आप बर्तन बदल देते हैं तो आप इसी तरह रख सकते हैं। अब मिक्सर जब हल्का गर्म रहेगा तब हम इसमें डालेंगे गुड़ का पाउडर। मेरे पास घर पे गुड़ का पाउडर था इसलिए मैंने गुड़ का पाउडर डाला। आपके पास खड़ा गुड़ हो तो आप उसको घिस के या बारीक तोड़ के डाल दीजिए, पर गुड़ का पाउडर डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप गुड़ नहीं चाहते हैं तो आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे इसकी गर्मी से, जो हल्की गर्मी है उससे ये गुड़ इसमें मिल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। और ये हमारा मिक्सर प्रॉपरली रेडी हो चुका है। अब मोदक बनाने के लिए, मोदक हमें तभी बनाना है जब ये हल्का गर्म होगा। ये आप देखिए, मैं आपको लड्डू बना के दिखा रही हूँ, देखिए प्रॉपरली ये होल्ड हो रहा है, शेप को पकड़ रहा है। तो इसके लिए मैंने लिया है मोदक बनाने के लिए मोदक मोल्ड। ये इस तरह से होता है, ईजिली आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा इस समय, और नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। तो मैंने पहले मोल्ड को बंद कर दिया, उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे और उसको दबाते जाएंगे जिससे वो अंदर पूरा अच्छे से फिल होता जाए। मोदक मोल्ड को आप हल्का सा ग्रीस कर लें जिससे आपके मोदक मोल्ड में चिपकेंगे नहीं। गुड़ मैंने आधा कप लिया है, मतलब जितना आटा लेंगे उसका आधा हमें गुड़ लेना है। तो देखिए ये अच्छे से भर चुका है एक। अब इसको धीमे से हमें खोलना है, तो ये देखिए धीमे से इसको हम खोल रहे हैं और बस जब लास्ट में निकालेंगे तो बहुत धीमे से आप निकालिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये शेप ले चुका है, मोदक हमारा कितना सुंदर लग रहा है, बस गणपति तो हमारे खुशी हो जाएंगे मोदक देख के। तो चलिए, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए कैसे हम बनाएंगे मोदक बिना मोल्ड के। तो पहले हाथों में लेके इसको इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ एक ओवल शेप आपको देना है, और उसके बाद हाथों में ऐसे दबाएंगे क्योंकि मोल्ड जो हमारा मोदक होता है नीचे से फ्लैट होता है, और पहले इसको ऊपर से पतला और नीचे से मोटा रखा, और धीमे से दो उंगलियों के हेल्प से तीन इसको एक ऊपर चोटी जैसा शेप देंगे, एकदम पतला करेंगे और नीचे से भी राउंड शेप इसको देते चलेंगे धीमे धीमे। और आप देख रहे हैं धीमे धीमे मोदक का जो है शेप ले रहा है, तो हम बिना मोल्ड के भी मोदक बना सकते हैं। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मोल्ड नहीं है तो अब क्या करें, कैसे बनाएं मोदक। आप देखिए कितना परफेक्ट आएगा, मैं इसको अपने सारे मोल्ड वाले मोदक के साथ रखूँगी, आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें कौन सा मोदक हम बिना मोल्ड के बना रहे हैं। तो देखिए इसको फिर जो लाइन्स आती है ना वो कैसे देंगे, तो मैंने टूथपिक लिया और टूथपिक से हल्का हल्का सा दबा के इस तरीके से लाइन बना देंगे। आप टूथपिक से बना सकते हैं, माचिस की जो तीली होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फोक से भी बना सकते हैं। आप देखिए कितना परफेक्ट बना है बिना किसी मोल्ड के। तो ये हमारे सारे मोदक रेडी हैं। भोग लगाने से पहले चलिए प्लेट को थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। तो ऊपर से मैंने बादाम पिस्ता के फ्लेक्स डाल दिए और थोड़ा सा सूखी गुलाब की पत्तियाँ। इस गणपति बनाइए आप ये आसान सा मोदक, और साथ में हमें सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड।